और मैंने कहा पढ़ लेनी चाहिए थी, बिकॉज आप देखो बॉलीवुड भी आजकल यही सिखा रहा है। कुछ कुछ होता है, फिल्म थी शाहरुख खान की, उसमें उसकी बेटी की मन्नत पूरी नहीं हो रही थी, तो फिर वो नमाज पढ़ने लग जाती है और उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। बाप हिंदू, मतलब बाप का कैरेक्टर हिंदू, लड़की हिंदू, और उनकी मन्नत नमाज पढ़ के पूरी हो रही है। एक रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों पे सीरीज बनी थी काबुलीवाला, तो उसमें काबुलीवाला नहीं आता थोड़े दिन, तो लड़की उसकी याद में नमाज पढ़ने लग जाती है। और ये वाला किस्सा ओरिजिनल रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी में है ही नहीं। अनुराग बासु जो डायरेक्टर हैं वो या प्रोड्यूसर हैं वो सेक्युलर थे, उन्होंने घुसा दिया। तो आप देखो किस तरह से यंग लड़कियों, यंग हिंदू लड़कियों के लिए ये सॉफ्ट कन्वर्जन का प्रोपोगेंडा जो है एंटरटेनमेंट के थ्रू इंस्टॉल करा जा रहा है। और अब इसका कन्वर्जन देखो दूसरी साइड, सर्फ एक्सेल वाले जब होली का ऐड बनाते हैं तो उसमें एक होली का दिन है, मुस्लिम बच्चा जा रहा है, तो हिंदू लड़की उसको बचाती है कि यार इस पर कोई रंग ना लग जाए, कि रंग लग जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कि यहाँ तो हिंदू लड़के तो नमाज ही पढ़ रही हैं पर उन पे रंग भी नहीं डाल सकते आप, उनके बिल्कुल शरिया कंप्लायंट ऐड बन रहे हैं। नमाज पढ़कर आता हूँ। तो इस थॉट प्रोसेस को आप समझो, ये वैक्यूम में नहीं हो रहा है। और अलीगढ़ में, अलीगढ़ का किस्सा है तो उसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अलीगढ़ में लड़की को फोर्सफुली कन्वर्ट, अलीगढ़ का तो खुद वो शहर खुद ही फोर्सफुली कन्वर्टेड है, उसका ओरिजिनल नाम कौल था, तो शिया कमांडर था नजफ खान, उसने 16वीं सदी में अटैक करा था और कहते हैं इतने हिंदू मारे कि 3 टावर बनाए थे उनके स्कल से, और खुद बखानते हैं बकायदा, इतने मंदिर तोड़े थे उस समय कि आज भी आप देखो वहाँ पे खेतों की खुदाई में मूर्तियाँ निकलती हैं। और आप मज़े की बात देखो, हिंदुस्तान में कन्वर्जन होती है उस पर आउटरेज नहीं होती, मतलब चाहे वो लड़की कन्वर्जन हो उस पर चुप रहेंगे, चाहे मंदिर कन्वर्ट करा के मस्जिद बनाए हो बाबर ने उस पर चुप रहेंगे, चाहे शहरों के नाम कन्वर्ट करे हों, अकबर ने प्रयागराज का इलाहाबाद करा था वो ठीक था, कन्वर्जन पे चुप है। जैसे ही आप रिक्लेम करोगे, रिवर्ट करोगे उनको ओरिजिनल स्थिति पे, तो आउटरेज हो गया, ऐसे कैसे कर सकते हो, अरे प्रयागराज पे कितना क्लेश हुआ था, अरे ऐसे कैसे कर सकते हो, इसका नाम प्रयागराज कैसे कर सकते हो, ना कर नहीं रहे, वही था अकबर ने करा था कन्वर्ट उसे, और अकबर ग्रेट है, जो कन्वर्ट करते हैं वो ग्रेट हैं, जो रिवर्ट कर रहे हैं ओरिजिनल नेम पे उन्हें गालियां पड़ रही हैं। यार जिस शहर में 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, उसका नाम इलाहाबाद कैसे हो सकता है, उस गॉड के नाम पे कैसे हो सकता है जिनकी कल्पना ही रेगिस्तान में करी गई थी। भाई गंगा हमारी, जमुना हमारी, सरस्वती हमारी, गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, ये क्या तहजीब में बाबर क्या रेत रेगिस्तान से लेके आया था, उस शहर का नाम इलाहाबाद कर दिया। भाई गंगा का कहाँ है मेंशन कुरान में, गंगा कहीं मेंशनड है, हमारे शिवजी के सर में से केश में से निकलती है वैसी कल्पना है, उन शिवजी के जिनका टेंपल था काशी विश्वनाथ का, वो औरंगजेब ने तोड़ दिया था, तो ये गंगा जमुना थे, आप तो टेंपल्स तोड़ रहे थे उन गॉड्स के जिनके सर से गंगा निकलती थी, और उन शहरों के नाम जहाँ संगम है उसका नाम इलाहाबाद कैसे करा जा सकता है। अभी अजमेर शरीफ पे एक आदमी खड़ा होकर बोलने लग गया कि शहरों के नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, हमारी हिस्ट्री मिटाई जा रही है। जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया, अबे तो क्या रबर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है। भैया आप लोगों ने हिस्ट्री मिटाई है, हम तो रिक्लेम कर रहे हैं। कल को आप देखो बख्तियार खिलजी के नाम पे स्टेशन है, उसका नाम आप बदल देते हो, तो खिलजी ने जो नालंदा यूनिवर्सिटी जला के जिहाद करा था वो मिट जाएगा क्या? कल को आप अहमदाबाद का नाम बदल के कर्णावती कर देते हो, तो अहमद शाह ने जो आपका भद्रकाली मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाया, रुद्र महल तोड़ के वहां पे जामा मस्जिद बनाया, वो मिट जाएगा क्या? औरंगजेब रोड का नाम आप बदल देते हो, तो औरंगजेब ने जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ के बोला कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चिनवा दो ताकि इसको लोग अपने पैरों तले रौंद सकें, उस रोड का नाम चेंज करके वो मिट जाएगा क्या? आप औरंगाबाद का नाम बदल दो, तो औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ तोड़ के उस पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाया वो मिट जाएगा क्या? वहां तो प्रत्यक्ष दिख रही है आपकी इनकॉम्पिटेंस। अब वो कितने निकम्मे लोग थे कि सेंस ऑफ एस्थेटिक्स ही नहीं है, कि मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया, दीवार अलग दिख रही है, दीवार अलग रंग की है, टॉप अलग रंग का है, मैंने रंग तो टोपी का जो पहनाई है सेम कर देते कम से कम, कि कल को झूठ बोलने लायक तो रहते कि हमने नहीं तोड़ा था मंदिर, यहाँ तो प्रत्यक्ष दिख रही है दीवार अलग। और ये कल्चर दिया है मुगल्स ने,
कि मंदिर तोड़े उस पर सफ़ेद टोपी पहना दी। आप मथुरा में देख लो, वहाँ पे शाही ईदगाह, वहाँ दीवार अलग दिखती है, सफ़ेद टोपी अलग दिखती है। अयोध्या में सेम दिखता है, काशी में सेम दिखता है। मालडा में आपके सिकंदर शाह ने आदिनाथ मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बनाया, वहाँ पे आपको पिलर्स अलग दिख रहे हैं, टॉप स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है। और आपको बोला गया मुगल्स गेव अस आर्किटेक्चर। मुझे पता नहीं था यार मंदिर तोड़ के उस पर सफ़ेद टोपी पहना देने को आर्किटेक्चर बोलते हैं, या कब्रों के ऊपर गुंबद लगा देने को आर्किटेक्चर बोलते हैं। खैर अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। उन्होंने हमें आर्किटेक्चर दिया, किन्हें? जिन्होंने मीनाक्षी टेम्पल बनाया, जिन्होंने एलोरा में एक पत्थर में से कैलाश टेम्पल बनाया, आउट ऑफ वन रॉक। उन्हें मुगलों ने आर्किटेक्चर दिया जो उनके आने से पहले बन चुका था। खैर अब गलतफहमियों के सारे ही आप देखो, सेकुलरिज्म कायम है इस मुल्क का।